सिविल इंजीनियरिंग के बारे में मैं आपको और चीज़ें बताना चाहता हूँ कि सिविल इंजीनियरिंग प्लस टू के बाद की जाती है। प्लस टू में आप साइंस के स्टूडेंट होने चाहिए, जिसमें कि आपकी एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपके सब्जेक्ट्स मेन होने चाहिए। उसके बाद आपको किसी भी कॉलेज में आसानी से एडमिशन मिल सकती हैं। इंजीनियरिंग के लिए 60% इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि एक तो बहुत ही कठिन होती है, और इसमें जो भी स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं इसमें पैसे बहुत, फीस बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप कम मार्क्स में जाते हो तो आपको बहुत स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आप उसमें बाय द वे आप नहीं कर पाए सिविल इंजीनियरिंग, तो उसमें आपका ही लॉस होता है। सिविल इंजीनियरिंग हम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 4 ईयर की होती है सिविल इंजीनियरिंग, जिसे कि एक प्रॉपर सिविल इंजीनियरिंग कहा जाता है। सिविल इंजीनियरिंग को हम आजकल इसलिए मेन कर रहे हैं क्योंकि भारत एक बहुत ही अनडेवलपमेंट कंट्री है। यहाँ अभी भी बहुत सारी कंस्ट्रक्शन बाकी है। यहाँ बाहर जो फॉरेन में जो बिल्डिंगें बन चुकी हैं वो इंडिया में कुछ ही एक जगह में बनी हुई है। अगर हम ओवरऑल सारे सिविल इंजीनियरिंग को लगा देते हैं इंडिया में, तो 10 साल या 15 साल में भारत विश्व को एक विश्व के बराबर, जैसे बाहर की फॉरेन का कल्चर है या फॉरेन की बिल्डिंग्स हैं, वैसी बिल्डिंग इंडिया में भी मिल सकती हैं। अभी सिर्फ कुछ ही जगहों पे वो वैसी बिल्डिंग्स हैं जो कि बाहर की बिल्डिंगों के बराबर है। पूरे इंडिया को अब सिविल इंजीनियरिंग की इसलिए ज़रूरत है, सिविल इंजीनियरों की भी ज़रूरत है। सिविल इंजीनियरों का काम आजकल इतना ज़्यादा है कि टाइम ही नहीं होता, पर वो इसलिए आजकल काम नहीं हो पा रहा है क्योंकि देश में कुछ लोग जो काम कर भी रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत टफ काम है। इतना आसान नहीं है कि आप 24 घंटे में से 12 घंटे उस काम पे बैठ के आप उस काम को करें, क्योंकि सारा हार्डवर्क है। हार्डवर्क करना इतना मुश्किल है कि आदमी 5 घंटे के बाद थक जाता है। थियोरेटिकली सॉफ्टवेयर के हिसाब से और मशीनों के द्वारा हम इस काम को आसानी से कर सकते हैं, इसलिए सिविल इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ती है। आप मशीनों से 20 मंजिल, 50 मंजिल, 60 मंजिल बना सकते हैं, जबकि आप एक आम ऐसे हार्ड वर्क करने से आप 2 या 3 मंजिले से ज़्यादा नहीं बना सकते। उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाती है। तो सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसा आजकल इसलिए बहुत ज़्यादा चल रहा है क्योंकि भारत को दुनिया के बराबर के देशों में जो बिल्डिंग्स बनी है उसके बराबर बिल्डिंग्स बनानी है। वो इसलिए क्योंकि बाहर के लोग इंडिया में आके देखते हैं कि इंडिया तो अभी भी वैसा ही है जैसा कई साल पहले अंग्रेज छोड़ के गए थे। इंडिया में कुछ एक जगहों पे अच्छी बिल्डिंग है जो कि अंग्रेजों ने बनाई हुई है। अभी भी इंडिया इतना पैसा एजुकेशन पे दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उतनी प्रोग्रेस नहीं आ पा रही। वो इसलिए क्योंकि कुछ जो सही स्टूडेंट्स हैं वो ही सिर्फ पास होकर जाते हैं इंजीनियरिंग, बाकी स्टूडेंट्स घर में ही रह जाते हैं। सिविल इंजीनियरिंग को में ऐसा है कि आप आसानी से समझ सकते हैं हर चीज़ को। सिविल इंजीनियरिंग काम एक दो जैसे कि आप सीख सकते हैं, थियोरेटिकली आप उनको समझा भी सकते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग का ऐसा है, घर जैसा ही काम है, पर ये है कि टेक्नोलॉजी लग जाए साथ में तो वो एक मतलब इंजीनियरिंग बन जाती है। जब तक टेक्नोलॉजी लगता तब वो एक सिंपल वर्क है जो कि आम लोग करते रहते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग के ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सिविल इंजीनियरिंग को हम अपने देश में लाने से देश का बहुत फ़ायदा हुआ। सिविल इंजीनियरिंग के आने से देश में कितनी सारी बिल्डिंग्स बनी, कितने कॉलेज बने, कितने हॉस्पिटल्स बने, कितने गवर्नमेंट ब्लॉक्स बने, कितने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी सिविल इंजीनियरिंग के हिसाब से बनी। पहले जो बिल्डिंग बनाते थे वो सिर्फ अपने हिसाब से बनाते थे, लेकिन अब क्या है कि अब आईएसओ होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए, ये सब सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए, तब जाके ही हम बिल्डिंग्स बना सकते हैं। और इनको अर्थक्वेक से बचने के लिए, चाहे भूकंप आ जाए वो बिल्डिंग नहीं गिरती, सिविल इंजीनियरिंग की गारंटी होती है। इसलिए ही सिविल इंजीनियरिंग को नंबर 1 माना गया है।